नमस्कार दोस्तों, निफ्टिया चैनल पे फिन निफ्टी ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया, वही एक सीधी रेखा में चलती रही और कोई खास बड़ा मूवमेंट इसमें हमें नजर नहीं आया। जबकि मिड कैप निफ्टी में जैसा बताया था कि शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर, ये वाला लेवल 13,240 के ऊपर, और वही आया और एक शानदार रैली हमें 13,300 तक हमें देखने को मिली। तो इसमें आपने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वो जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहां पर हम ढेर सारी नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो आइए अब हम आते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड में यही बताया था कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट ले गया, और यहाँ बताया था रेजिस्टेंस है, तो वहीं से रेजिस्टेंस आया। तो 20,980 पे सपोर्ट और 21,425 पे रेजिस्टेंस। बाकी ब्रेकआउट जो दिखेगा वो दिखेगा 21,450 के ऊपर, और ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 21,700। उसके बाद अगर हम आए सेंसेक्स पे, तो सेंसेक्स में भी आपको अब तो रट्टा लग चुका होगा लेवल्स का। 82,750 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और बार बार वहीं से रेजिस्टेंस मिल रहा है, और 81,100 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी फिलहाल 10 MA पे सपोर्ट ले रही है, तो इसको भी आप फर्स्ट सपोर्ट मान के चल सकते हो, जो 81,850 के आसपास नजर आ रही है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में आप देख रहे होंगे कि कॉल राइटर 23,900 पे भी खड़ा है और 24,000 पे खड़ा है। यही कारण है कि आज सारा दिन 920 क्रॉस नहीं कर सके, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग 920 के ऊपर बननी थी जो कि नहीं बन पाई। तो अब क्या सिनेरियो बन रहा है, अब देखिए शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी, क्योंकि कॉल राइटर काफी ज्यादा खड़ा है, तो 24,050 के ऊपर ही बनेगी। तो अगर ये क्रॉस हुआ 24,050, तो ऊपर के जो लेवल है वो है 24,250, 400 और 480 के। पर अभी कुछ मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जॉबलेस क्लेम डाटा मार्केट के अनुकूल नहीं आया और बेरोजगारी कम हुई है, तो वो मार्केट को शायद पसंद ना आए। नीचे सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट वही है 23,750 के आसपास। वहां से आपको फिर से एक सपोर्ट मिलती दिख सकती है। नीचे 23,600 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 23,640 पे भी 10 MA है, तो इस दोनों एरिया से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और ऊपर के जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 815, 870, 975 और 24,040 होंगे। तो ये था फिन निफ्टी। अब आते हैं आगे मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का चार्ट सभी इंडेक्स में सबसे बेस्ट है। 13,220-40 के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट नजर आ रही है। 190 का रखो या 170 का भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। ऊपर की ओर जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे 270 और 315। शॉर्ट कवरिंग 340 के ऊपर पॉसिबल है, और ऊपर के जो लेवल होंगे वो होंगे 372 और 445 के। मतलब ले देके अगर कोई चार्ट अच्छा है तो वो दिख रहा है मिड कैप निफ्टी। बाकी अगर ये एरिया टूट भी गया, मान लो 3,230-240 टूटा, तो नीचे 13,122 पे एक और सपोर्ट है, यहाँ पे है 10 MA। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगी तो 100 का स्टॉप लॉस रखना, 174-220 ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे। और फिर निफ्टी भी हो गया। अब रुपया, रुपये में क्या है कि रुपये में ऊपर 84.07 वही लेवल है, वो बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं है। बाकी स्टॉक मुझे कोई खास नजर नहीं आ रहा जिसमें कोई अच्छा सा पैटर्न बन रहा हो। जिस दिन पैटर्न बनेंगे तब हम जरूर दिखाते हैं आपको स्टॉक, और अभी कोई बिना पैटर्न के ही सारे स्टॉक है, मुझे तो कोई नहीं दिखा। अगर आपको कोई दिखा तो जरूर आप कमेंट में मेंशन कर सकते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।